अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहिन सुल्ताना। तो गाइस, आज की रेसिपी है पालक पनीर, जो मैंने अपने स्टाइल में बनाई हूँ। आपने कभी इस तरह की पालक पनीर नहीं देखा होगा। देखा तो बहुत होगा, खाया तो होगा, लेकिन इस तरह की नहीं। तो इतना मैं शॉर्ट एंड बेस्ट, इतना टेस्टी बनाकर आपको बता रही हूँ यूनिक स्टाइल में। तो चलिए, शॉर्ट एंड बेस्ट इन माई स्टाइल। तो सबसे पहले हम एकदम फ्रेश पालक ले रहे हैं। बारिश का मौसम है, पालक अच्छी आती हैं, लेकिन उसमें किरक रहती हैं। तो हम एक से दो पानी में इसे अच्छे से पत्तों को इस तरह से धोकर गर्म पानी कर रहे हैं और इसमें डाल दी हूँ बस 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये पक जाए और इसे हम निकाल लेंगे। ये बेसिक्स तो आपको मालूम है, लेकिन आगे आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। और ये रेसिपी बहुत ईजी और एकदम मॉट वाटरिंग सो डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम कूल वाटर। मैं आइस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से कूल चल रहा है, हर तरफ बारिश है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए पालक का रंग भी इतना निखर कर आया है। तो यही रंग हमें चाहिए और इसे मैं अब बाहर निकाल लूँगी और इसे डायरेक्ट मैं अच्छे से छन्नी कर इसको ड्रेन कर लीजिए अच्छे से इस तरह से। और इसे अब हम डाल देंगे ठंडे पानी में। तो इसे छोड़ दीजिए जब तक ये पालक ठंडी हो जाए। तो एक जार ले लेते हैं, उसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अब ये है, देखिए मैंने इस तरह से टमाटर को कट कर लिया है 1/4, और ये खड़ी प्याज है एक छोटी सी, और इसमें 3 हरी मिर्चें हैं, जरी सी तेज़ है इसलिए मैं कम ले रही हूँ। अगर आपके पास फीकी हरी मिर्ची हैं तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा फीका खाते हैं उस तरह से ले लीजिए। तो चलिए, अब ये है पालक एकदम से, हम अच्छे से इसे भी अच्छे से ड्रेन कर लेंगे और इसे हम डायरेक्ट, देखिए हरे धनिया मैंने ऑलरेडी डाल कर रखा था 1 बंच, तो उसी में हम पालक को ऐड करते हैं और नमक इसमें डाल देंगे ताकि ये कड़वाहट ना छोड़े। नमक डालने से ये बहुत टेस्टी और अच्छी सी बनकर रेडी होती है, स्वादिष्ट। नमक डालकर पीसिएगा। तो अब ये है पनीर। पनीर हमने कट कर रख लिया है। तो मैंने इसे, देखिए 250 ग्राम पनीर लिया है, क्योंकि हमारे घर में ज़रा था पसंद करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले एक पैन लेते हैं। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 4 टेबल स्पून इज़ ओके। तो हम भी इसमें ऐड कर लिया है पैन में। तो अब पनीर को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पीसेस मैंने बड़े रखा है, आप चाहे तो छोटा या बड़ा, आपके हिसाब से साइज और शेप कौन सा भी लेकर आप कट कर सकते हैं। तो देखिए इसे चलाते रहेंगे हम, धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये एकदम फ्रेश वाला है और एकदम है। तो इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे, आप देख भी सकते हैं आगे वीडियो में। ये थोड़ा सा देखिए बिखरने भी लगा है, क्योंकि एकदम फ्रेश एकदम सॉफ्ट है ये। तो देखिए गाइस, इसे हम हल्के से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। आगे चल के हम थोड़ा सा इसकी फ्लेम हाई करेंगे जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, वरना इसका टूटने का डर होता है। अगर आपके पास पनीर रखा हुआ है पुराना वाला, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए वन साइड ये धीरे धीरे हो रहा है। चलिए अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसकी फ्लेम हाई करती हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं ये फ्राई हो चुकी है, बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारे क्यूब्स हमने पनीर के निकाल कर इस तरह से डाल दीजिए, ये पीसेस पनीर के। तो पनीर हमारा अच्छा फ्राई हो चुका है। तो देखिए हमने पेस्ट भी इसका बना लिया है। अब जाएगा वही पैन में हम दूसरे मसालों को भी फ्राई करेंगे। ये है मेरा यूनिक स्टाइल। तो शॉर्ट एंड बेस्ट इन माय स्टाइल, आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे गुड कमेंट्स कर बताइए। तो चलिए अब देखिए, हम जो हरी मिर्चें, प्याज 1 लिया था हमने खड़ी कट कर लिया है, टमाटर को भी हमने 1/4 कर लिया है। तो ये सारे चीज़ें हम वही पैन में ऐड कर देंगे, वही तेल में, और ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे ताकि ये अच्छे से जल्द फ्राई हो जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो अभी से हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही इसे बनाएंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। अभी से हम देखिए इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट होकर सारा इसे तेल छोड़ने तक इसे अच्छे से पका लेना है। इससे आपकी जो पालक पनीर होती है इतनी बेहतरीन, इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है गाइस। मेरे घर पर तो ये बची ही नहीं,
बस एक ही वक्त में ये ख़त्म हो चुकी थी, उतनी जायकेदार उतनी टेस्टी बनी थी। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाकर एक बार देखिएगा इस, तो आप भी दीवाने हो जाएंगे इस डिश के। तो थोड़ा सा पानी भी हमने इसे खंगाल कर इसमें डाल दिया है। अब चलिए इसे ठंडा करके हम चला लेते हैं। तो इसका भी स्मूथ पेस्ट बन गया है। वही पैन को हमने फिर से धोकर इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा ताकि हमारी डिश एकदम से डिलीशियस दिखे। तो मैंने इसमें देखिए 150 ग्राम ऑयल लिया है। अगर आप कम लेना चाह रहे तो आप कम भी ले सकते हैं। तो गाइस इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून इसमें बराबर हो चुका था। तो चलिए इसे थोड़ा सा हल्का चलाएंगे और चटकने देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी मैं अच्छे से चला लूँगी ज़ीरे के साथ। इसकी भी भुनाई कर देंगे हम थोड़ी सी कच्ची स्मेल जाने तक। तो देखिए गाइस जो हमने टमाटर और प्याज जो भूनकर हमने पीसा था उसका पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम इसके साथ भुनाई करेंगे। तो देखिए इतनी अच्छी अरोमा और खुशबू आ रही है इन सारे मसालों की, और ये पेस्ट में इतनी अच्छी महक होती है। आप इस तरह से पालक पनीर बनाइए गाइस, तो आप मैं क्या बताऊँ, मेरे स्टाइल में आप बनाकर एक बार देखिएगा और उसके बाद ही आप गुड कमेंट्स कीजिएगा। मैं सारे अच्छे से डिशेस दे रही हूँ गाइस, आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं हर वो डिश यूनिक तरीके से और इतनी जायकेदार डिलीशियस मैं बनाकर आप लोगों को डाली हूँ। तो आप ज़रूर उसे देखिए और कमेंट्स कीजिए आपको पसंद आए या नहीं। मेरे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है अभी, मेरे ये 400 मेरे डिशेस कम्प्लीट हो रहे हैं आज मेरे चैनल पर। पूरे 400 रेसिपीज कम्प्लीट हो रहे हैं आज। तो देखिए गाइस इसी हम नमक डालकर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लिया है, तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पालक प्योरे जो हम बनाकर रखे थे। अब इसमें पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे चलाते हुए। अब फ्लेम को मैंने स्लो रखा है ताकि इसके छींटे हम मुँह पर ना उछलें। तो हम पर अगर ये छींटे उछलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से इसकी हल्की सी हम चलाते हुए इस भुनाई करेंगे। ये तो ऑलरेडी पका हुआ है, ज़्यादा नहीं इसे भी खंगाल कर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए सारी ग्रेवी हमने अच्छे से मिक्स कर बना लिया है, तो इतनी अच्छी टेस्टी और यमी लग रही हैं, तो खाने में तो पूछिए ही मत, उतनी टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। इसकी थोड़ी सी हल्की भुनाई करेंगे, जबकि पालक की थोड़ी सी कच्ची स्मेल इसमें अगर आ भी रही है तो वो भी चली जाएँ, पालक अच्छी सी पक जाएँ। गाइस इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं डालूँगी एक पिंच काला नमक, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और ये है गरम मसाला, कौन सा भी गरम मसाला आप डाल सकते हैं। ये मैं होममेड डाल रही हूँ, हैदराबादी होममेड गरम मसाला। अगर आप चाहें तो कौन सा भी गरम मसाला ब्रांड का लेकर डाल सकते हैं। ज़्यादा मसाले आप मत डालिए, इस तरह से बनाइए, ये बहुत टेस्टी है। और ये है कसूरी मेथी, मैंने एक टीस्पून लेकर इस तरह से मसल कर इसे डाल दिया हथेली में। तो ये इससे तो चार चांद लग जाएंगे डिश को, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो फ्राई करे हुए पनीर। तो पनीर की बारी अब आ चुकी है इसके अंदर जाकर पकने की। तो पालक के साथ हम पनीर पकाएंगे तो हमारी पालक पनीर तैयार हो जाएगी। तो देखिए गाइस मैं थोड़े से सजाने के लिए ऊपर रखी हूँ, और बाकी की पनीर इसमें मैं अच्छे से इसको भी इसके साथ में थोड़ी सा चला लूँगी और भून दूँगी। तो देखिए इसे भी हम इसके साथ थोड़ा सा पका लेंगे तो बहुत टेस्ट आ जाएगा। और देख सकते हैं अभी माउथ वाटरिंग हो रही है ना, तो खाकर तो वाह वाह पाएंगे आप, वाह वाह करते रह जाएंगे। जिस किसे भी आप खिलाएंगे तो वाह वाह पाएंगे, और अगर ख़ुद खाएंगे तो वाह वाह कहते रह जाएंगे। इस तरह की ये डिश है, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए गाइस। तो जिस किसी भी मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड गुड कमेंट्स। जिस किसी भी मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं नए हैं मेरे चैनल पर तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे तो बहुत टेस्टी और टेस्ट उभर कर आता है।
तो ये डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या नहीं तो इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। दो तरह से भी आप बिना डाले के भी अच्छी बनी है और डालने के बाद भी बहुत अच्छी बनी है। तो ये फ्रेश क्रीम अगर किसी के घर पर नहीं है तो आप इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। अब इसे नान या चावल रोटी आप कौन सी भी डिश किसी के भी साथ भी इसे खाइए तो बहुत टेस्टी आएगा। और मैंने तो इसे आधा, मेरे बच्चे तो खाली बस सिर्फ ऐसे ही खाकर ख़त्म कर दिए थे, मैंने नान बनाए तक मेरे बच्चे आधा कर दिए थे। इस तरह से ये बनी थी रेसिपीज़ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम इसे बनाकर रेडी कर लिए हैं, अब इसको ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो देख ही सकते हैं आप कितनी अच्छी रंगत आई है और इतना रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ना, और खाने में तो पूछिए ही मत, इसका जायका इतना टेस्टी था कि पूछिए मत। अब ज़रूर इस तरह से बनाइए। अब मैं इसे पूरा पैन लेकर इसमें डाल दूँगी ताकि ये जल्द से जल्द सर्व हो जाए और मेरे बच्चे इसे खाना शुरू कर दें। तो देखिए कितना कलरफुल, कितना यमी। मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसमें जो पनीर फ्राई करा हुआ था वो डाला और मैंने क्रीम को भी थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर लिया है, थोड़ा सा छिड़क लिया है। तो देखिए कितना माउथ वाटरिंग और टेस्टी यमी और कितनी डिलीशियस ये डिश लग रही है ना। तो आपका क्या ख्याल है, ज़रूर मुझे गुड कॉमेंट्स कीजिए। तो खाइए खिलाए अपने परिवार को, खुश रखिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइज़, बाय। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।